Hi everyone, a very good morning. And this is my second vlog in Jim Corbett. And इससे पहले मैं first vlog upload कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए. है कि मैं बता देती हूँ आज का प्लान. आज हम लोग सफारी करने जा रहे हैं और हमारा टाइम है वहाँ पे, हमें पहुँचना है 11:15 तक पहुँचना है हर हाल में. तो हम लोग 8 बजे उठे और बताए मुझे ना यहाँ के यार नींद नहीं आ रही, बट मुझे ना ऐसी थकावट भी फील नहीं हो रही, बट आई एम इन्जॉइंग दिस. येस या तो आज का हमारा प्लान क्या है, तो हमें वहाँ पहुँचना है. तो अभी बस हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 10 बजे हमारे टैक्सी वाले भैया वो आ जाएंगे, वो हमें लेकर रामनगर छोड़ेंगे. वहाँ से हमें कैंटर मिलेगी और वी आर ट्राइंग कि हमें फर्स्ट कैंटर मिल जाए, क्योंकि एक साथ शायद 16 या 18 होती हैं. तो अगर हम पहली कैंटर में जाएंगे तो चांसेस हैं कि हमें लाइन दिख जाए, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ठंड में बहुत कम चांसेस होते हैं दिखने के. लेकिन फिर ये होता है कि उसके पीछे एक दो और आएंगे और उसकी आवाज़ होगी ना, तो अगर वो होंगे भी सामने, अगर कोई एनिमल होगा तो वो छिप जाएंगे. मतलब मुझे ना इस टाइप के घर बहुत पसंद हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे कि ये हमारा है, ऐसे एक मस्त हट हो अपना, ठीक है, हट से बाहर आके बैठो, इतने सारे पेड़ वेड़ लगे हों, आराम से अपना बैठो, इन्जॉय करो, चाय कॉफ़ी पियो, ठीक है, और उसके बाद मस्त घूमो, रैंप वॉक करो यहाँ पे. श्रद्धा गुड मॉर्निंग बोल दो. गुड मॉर्निंग. पता है मुझे लगा ये मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ज़िंदगी में पहली बार, जितनी बार गई हूँ पहली बार मैं जूस ले रही हूँ ब्रेकफास्ट से पहले, क्योंकि यार इतने हेल्दी लोग मेरे साथ रहते हैं ना कि जूस फ्रूट. मैंने पहली बार पूछा, मैंने कहा कैसा है, फिर मैंने कहा अच्छा पी के देखती हूँ. तो ना मौसमी का है, मैंने कहा पी लो. ये शाम भी है, हाँ इसको ज्यादा प्यार. शिल्पू नोटिस पीरियड कब डाल दियो तुम? मेरे कॉलेज पूछ रहे थे तुम्हें 2 साल हो गए, तुम कहीं और जाओगे नोटिस पीरियड पर हो. देखो चुपचाप से बैठ गई शांति से, कितनी प्यारी लड़की है ये. उससे क्या पता लगा अंकल? सही है, पता लगा कि एक टाइगर वो मतलब हम लोग जहाँ से हमें अपनी कैंटर लेनी थी, हम लोग वहाँ पे आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कैंटर कैसी, अभी चली नहीं है, अभी हम लोग जल्दी आ गए, 11 बज रहे हैं और यहाँ से 11:30 बजे चलेगी, देन एंट्री गेट पहुँचेगी. और हमारा एंट्री गेट है धनगढ़ी और हमारा जोन है ढिकाला जोन. मैं आपको कैंटर दिखाती हूँ कैसी है. और उसके बाद यहाँ पे हमारे परमिट चेक हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ से हमारी एंट्री होगी. ओके लेकिन वो नहीं आएगा. सुनो मत जाओ तुम यार, मुझे बच्चों को छेड़ने में ना बड़ा मजा आता है. चश्मा, स्पेशली चश्मा पहन के आई हूँ मैं आज, हाँ. कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर सबको दिखे, मुझे दिखे ही ना, क्योंकि श्रद्धा की ना दूर की, ना दूर की थोड़ी सी, दूर की थोड़ी सी वीक है, तो इसीलिए स्पेशली पहन के आई है. अच्छा अभी वहाँ पर टाइम लग रहा है, तो फिर मैंने और श्रद्धा ने सोचा कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. ये तो देखो गेट है जहाँ से हम एंट्री किए थे, यहाँ पे चल रही होगी चेकिंग. म्यूजियम, वहाँ सामने कैंटीन है. यस यार चाय शूट यार. और यहाँ पे ना ये क्या है, नेचर. हाँ ये वाला स्टोन छोटा वाला, सी उसी से बनी हुई है, मतलब वैसी है ना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. तो ये है कैंटीन और हमने यहाँ से ली है 2 चाय.
पता है, लेकिन चाय इसमें क्यों दी है, इसलिए इसमें दिया है क्योंकि यहाँ पे वो फेक ना दें, इसलिए स्टील के ग्लास दिए कि आप इसमें पियो। चीनी ज़्यादा है बट अपने रिजॉर्ट से तो बहुत अच्छी है। हमारी गाड़ी यहाँ से चल रही है और उसके बाद हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से निकाला है 30 किलोमीटर, सो लेट्स सी, या होपिंग कि हमें दिख जाएगा टाइगर। यहाँ पे ना हम लोग आधा घंटा रुकेंगे, जिसको भी वॉशरूम जाना जा सकते हैं, कुछ खाना पीना है खा पी लीजिएगा। कोशिश करें आधे घंटे का मतलब आधा घंटा ही हो, ताकि हमें बाकी टाइम यहाँ घूमने के लिए मिल जाए। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ दिखनी है वो यहीं पे दिखनी है मैक्सिमम। अगला एक घंटा यहाँ का जो है वो हम लोगों का है, वो फिर छुट्टी में करेंगे, जो भी दिखेगा। ठीक है, ठीक है। ये पूरा सेंटर टाइप है ढिकाला का, यहाँ पे हम लोग को आधे घंटे रेस्ट करने को बोला है, और ये है रेस्टोरेंट, सो वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट। और ये इधर है रेस्टोरेंट, और उसके सामने ये है नदी। जैसे कि मुझे क्या बताना था, यू नो लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, और जैसे कि अब मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है मुझे ब्लॉगर्स मिलेंगे ही, तो मुझे यहाँ पे एक ब्लॉगर मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, मिस्टर महेश। हेलो। यस, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा, दिस मेरा यूट्यूब चैनल है MBT ब्लॉग्स। मैं मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको हर तरीके के ब्लॉग देखने मिलेंगे, ट्रेवल ब्लॉग, फूड ब्लॉग, लाइफ स्टाइल ब्लॉग, हर तरह के। अब और अब तो मोटो ब्लॉग ज़्यादा आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैंने चैनल को अपडेट कर दिया है, और मेरे आप लोगों की वजह से 1K सब्सक्राइबर भी कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुए हैं, और चैनल भी मेरा बहुत जल्दी मोनेटाइज होने वाला है। और अभी मैं इनसे मिला हूँ, आपका क्या चैनल नाम है? मेरा नाम है शिवांगनी चौहान के नाम से, और हम दोनों ने एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। या तो मैं इनके चैनल का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि ये मेनली ब्लॉग ही करते हैं, और इनके पे बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम होपिंग कि हम कभी अगर फ्यूचर में मिले तो फिर से कोलैबोरेट करेंगे और वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, बस 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 धन्यवाद। बहुत अच्छी लोकेशन लगी, शिवांगी का भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, बहुत जबरदस्त लोकेशन लगी है, और अभी टाइगर दिखने के भी चांसेस हैं हमारे, देख सकते हैं, क्योंकि हम ढिकाला जोन में भी आधे घंटे की रेस्ट पर हैं हम लोग, तो अभी हम एंट्री करेंगे तो शायद हमें दिख जाए। और अगर शिवांगी का चैनल देखने आप टाइगर देखने की कोशिश करें तो कोई दिक्कत नहीं, आपने शिवांगी के चैनल में मुझे देख लिया, हो गया काफी। हमने स्टार्ट कर दिया है खाना, और खाना श्रद्धा खा रही है, वो कह रही है खाना टेस्टी है, लेट्स सी। यस, खाना हम लोगों ने खा लिया, और बहुत यार पता है बहुत भगदड़ सी हो गई, तो यहाँ पे जो थाली थी ना वो 375 की थी, वो शेयरिंग में नहीं थी, एक बंदा सिर्फ एक ही थाली ले सकता है। खा लिया खाना, बहुत टेस्टी था, बट आई गेस थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि आके हम फोटो खिंचाने लगे, फिर क्या बोलते हैं वीडियो बनाई, ठीक है, फिर मैं उससे मिली जो जिस अपने महेश से, उसका दिखाया, और फिर खाना मैंने सब ठूसा ना जल्दी, ठस ठस, मैंने कहा वो भाई आ गए, कह रहे चलो 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 चलो, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा आप यहाँ रुक नहीं सकते। सब लोग अभी शांत रहेंगे, यहाँ पे बीच में ना टाइगरस है, बच्चों के साथ है, उसने किल किया हुआ है, ये गाड़ी वाले जो जिप्सी वाले हैं वो इसीलिए खड़े हुए हैं, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगी, क्या पता पानी वानी पीने के लिए निकलेगी, तो इधर पीछे पीछे देखना ना, पूरी रिजर्व आ रही है, पानी वानी पीने निकलेंगे तो फिर दिखने के चांसेस हैं थोड़े। रिजॉर्ट में मैं वापस आ गई थी, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा ही हुआ है, और उससे पहले मेरे कैमरे की बैटरी चली गई थी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, फ़ोन से मैंने कुछ शॉट्स लिए बट बिल्कुल अंधेरा हो गया था, देन फिर मैंने सोचा रिजॉर्ट चलती हूँ एंड देन तब बात करूँगी। अभी हम बात करते हैं हमारे एक्सपीरियंस की, तो हमें बताओ हमें टाइगर दिखा या नहीं दिखा आज? हमें टाइगर दिखा, हमने टाइगर देखा, और यू नो
हमें सिग्नल भी मिला था पूरा, सिग्नल मिला, सिग्नल कैंटर से गए और फिर हम लोग ने लंच भी किया, फिर उसके बाद जब गए तो हमें सिग्नल मिला, सिग्नल मिला, रिसीव भी होते 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 रह गया, रिसीव नहीं हो पाया। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ कि यार एक तो पता है आने जाने का बहुत ज़्यादा है, पहले हम यहाँ से रामनगर गए, ठीक है, रामनगर से फिर हमारा था डिकाला जोन, तो जो हमारा वो था एंट्री गेट था वो कौन सा था, धनगढ़ी था कुछ, धनगढ़ी करके फिर वो गए, तो वो वहाँ से था आधा घंटा, मतलब 31 किलोमीटर नहीं मतलब था 15-16 किलोमीटर धनगढ़ी था, और फिर उसके बाद धनगढ़ी से जब एंट्री हो गई तो डिकाला जोन था 31 किलोमीटर, लगे थे फिर वहाँ पे, उसमें 1.5 घंटे लगे मैं पहुँचने में, और रास्ता पता है बहुत ही ज्यादा पतला पतला था, जैसा कि मैंने दिखाया था बहुत ही ज्यादा, कभी इधर से जीप आ रही है, मतलब कभी हाँ, से जीप आ रही है, कुछ आ रहे हैं, तो मतलब वो तो भैया थे जो इतना संभाल के चला रहे थे, तो वो तो खैर वो एक्सपीरियंस होते हैं। फिर डिकाला जोन में फिर हम क्या, तो मैंने बोला कि यहाँ पे वो है शेर टाइग्रेस है और उसके बच्चे हैं, और उसने अभी रिसेंटली किल किया है, शायद मैं भी उन लोगों ने देखा था, उन लोगों ने देखा था, नहीं उन लोगों ने देखा था, वो बोल रहे थे, फिर हम लोगों ने वहीं पे वेट करा, वेट किया तो थोड़ा सा मूवमेंट दिखा, और मेरे फोन में कैप्चर भी हुआ है, बट ये क्लियर नहीं दिख रहा कि वो क्या है, लेकिन पता है जो वो हिली थी, कैमरा वैमरा लेके रेडी, श्रद्धा लेके रेडी, और मेरे उसमें कैंटर में दो ब्लॉगर और थे, सब अपना कैमरा लेकर पूरा रेडी आएगी, बट उसने दर्शन नहीं दिया। फिर हम आए होंगे जिम कॉर्बेट या नहीं आए होंगे, तो जो भी गाइड होते हैं ना वो ऐसे बताते हैं कि बस कॉल आ रही है, आ रही है, कॉल लग रही है, कॉल लग रही है, हाँ वो ये बोलेंगे कॉल हो रही है, कॉल हो रही है, सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, उनका मतलब ये होता है कि जैसे अगर टाइगर वगैरह आता है तो हिरन थोड़ा ज्यादा मूवमेंट करते हैं, और बर्डियां कुछ कुछ बोलती है, मंकी इधर से उधर होते हैं, इधर से उधर होते हैं, तो वो सिग्नल बोलते हैं कि कॉल हो रही है, तो ये चीज हमें पता चली। पहले ना हम हंसी उड़ा रहे थे, मैंने कहा ये कौन सी कॉल करेंगे, लेकिन हमें हमारे टैक्सी वाले भैया ने समझाया कि कॉल ना ये होती है। और आपको बताना था कि जो भी आप ऑनलाइन जो सफारी की बुकिंग करेंगे वो आप पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें, ठीक है, होती है उसके लिए, यस, और कैंटर का जो है वो 1500 है, और जिप्सी जो उसमें मतलब पर पर्सन 1500 है, और जो जीप है उसका 4500 या 4000 समथिंग कुछ है, हाँ 6 पीपल का, और आप पहले से परमिट लेके आए, और हाँ परमिट का ना प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि आप अगर अपने फोन में दिखाएंगे तो उनके पास क्या प्रूफ रहेगा, तो प्रिंट आउट निकलवा लें, हमने यहाँ के निकलवाया, आई डी दे रहे हैं वही सेम आई डी कैरी भी करना पड़ेगा, यस। ये बताइए आप यहाँ पे किस सीजन में आना चाहिए, मतलब कौन सा सीजन बेस्ट है, यहाँ पे आओ सफारी करो, सफारी का आपको आना चाहिए नवंबर दिसंबर, लेकिन अभी हम लोग कल गए दिखाने दिसंबर में, तो हमें तो वहाँ पे दिखा भी नहीं टाइगर, और टाइगर तो मैम लग के बाद, किसके बाद, लग के बाद है, जैसे किस्मत में होगा वैसे को दिखेगा, हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि गर्मियों में आना चाहिए, मई जून में, तो उसमें ज्यादा चांसेस, ज्यादातर सफारी का सीजन यही होता है, यही होता है नवम्बर, अच्छा, या तो फिर वो गर्मी में जब भयंकर गर्मी होती है, जब जून हाँ वाली गर्मी होती है, ओके बताइए, कुछ तो दिखाया, तो यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, और ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे बोला है कि अपनी वीडियो में बोल दो, ये सब मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, क्योंकि यू नो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, अगर मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते, तो यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, फूड सर्विसेज स्टाफ लोकेशन एवरीथिंग इज़ फाइन, सो यू गाइज कैन कम हेयर एंड चिल आउट। गुड मॉर्निंग भैया, सारे रख दिए ना, तो जाने का मन कर रहा है तुम्हारा, मन कर रहा है ना मेरे को, मैं कल ये यहीं से अपना ऑफिस कर लूँ, यहीं से लॉग इन कर लूँ, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो वी हैव टू गो एंड वी आर गोइंग। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे, एक्टिविटी जोन में, और ये है एडवेंचर जोन देवभूमि आउटडोर एडवेंचर। यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दी एक्टिविटीज, तो इसमें जो एक्टिविटीज है वो ये सारी है, ठीक है, और मैंने चूज की है एक बंजी इंजेक्शन और ह्यूमन गायरो, जो कि मैं और श्रद्धा साथ करेंगे। श्रद्धा तुमने कौन से चूज किया, एक तो ये फ्रीगो राइड और ह्यूमन गायरो तो हमारी साथ है, बाकी हमें जो अंदर पसंद आएगी वो देख लेंगे, और उसमें ना पैकेजेस भी हैं, अगर आपको पैकेज लेना है तो पैकेज भी ले सकते हैं, बट हम पैकेज ले रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ ना बहुत नॉर्मल है, तो मैं थोड़ा सा गई उसमें थोड़ा एडवेंचर होगा,
और इसमें शायर पता के और मैं चीखी भी बहुत, मैंने ना इनका दिमाग खराब कर दिया, मुझे नीचे तारो बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी तो सब यहाँ पे नॉर्मल है, इतना ज्यादा कुछ नहीं, ये अच्छा था और बाकी नॉर्मल है, बट इसमें मुझे एडवेंचर की फीलिंग आई। श्रद्धा के साथ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज हो रही, क्या कर रही हो तुम? अंकल अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी ना हम सस्पेंशन ब्रिज जा रहे हैं, उसके बाद मंदिर जाएंगे और फिर वाटरफॉल। हम चल आओ श्रद्धा, अब हम एंट्री कर रहे हैं। हमारे आगे हमारे सिकंदर अंकल चल रहे हैं जो कि आज हमें घुमा रहे हैं। हवा चल रही थी ना, मुझे फील हो रहा था एक्चुअली कि ना ब्रिज हिल रहा है बहुत ही। सो वी हैव रीच्ड टू दिस ब्यूटीफुल रिवर, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा सस्पेंशन ब्रिज, इस बार मैं एक्सपेंशन नहीं बोलूंगी। यार देखो इस चाय की शॉप के पास में पीछे भगवान जी भी हैं, शिव जी हैं। कि अंकल किसी ऐसी जगह रोक दो कि जहाँ पे हम चाय पी सकें, मतलब अभी रामनगर यहाँ से है 12 किलोमीटर और हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो वहाँ जाके तो हम सिर्फ डिनर ही करेंगे। तो अंकल ने एक जगह रोकी है बिट्टू चाय वाला और बोल रहे कि बहुत अच्छी चाय है, तो ऐसी ऑन रोड है तो अंकल ने बोला आप लोग गाड़ी में बैठो, बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, तो हम गाड़ी में बैठ कर चाय का इन्जॉय लेंगे। हाय एवरीवन, सो अभी अभी जस्ट मैं अपने फ्लैट पहुंची हूँ, आई गेस 5 मिनट्स हुए होंगे, द टाइम इज 6 AM। बीच में मेरे पास कुछ ज़्यादा बनाने को था नहीं, तो मैंने अपने फ़ोन से कुछ भी शूट नहीं किया। और आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जिसने ब्लॉग में नहीं देखा है सो आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसको भी प्लीज़ आप चेक कर लेना, और जो भी आपको फीडबैक देना हो तो आप प्लीज़ वो फीडबैक भी दे सकते हैं। और कुछ नहीं, बस अभी मैं सोती हूँ, बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।